नमस्कार, मैं आशु। प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। गुरदासपुर के बटाला में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री कंद साहिब से दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को समर्पित पांच प्यारों की अगुवाही और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन संगत के काफिले समेत गुरुदर से शुरू हो जयकारों की गूंज के साथ शहर की अलग अलग जगहों से होता हुआ वापस गुरुघर आकर सम्पन्न हुआ। इस मौके जगह जगह पर संगत की तरफ से रास्ते में लंगर लगाए गए थे। इस नगर कीर्तन में पहुंची संगत गुरु की बाणी का आनंद मानती हुई गुरु की रंगत में रंगी दिखाई दे रही थी। इस मौके जगह जगह नगर कीर्तन का स्वागत सिख संगतों की तरफ से किया गया। वहीं सिख संगत के अलावा इलाके के सभी धर्मों के लोग भी इस नगर कीर्तन का स्वागत करते दिखाई दिए। वहीं नगर कीर्तन में शामिल हुए SGPC सदस्य गुरिंद्र पाल सिंह ने बताया कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छकाकर यहाँ सिख धर्म को अलग ही रूप दिया और गुरु जी ने अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ी थी और अन्य धर्मों को बचाने के लिए अपने सर्वंश को कुर्बान कर दिया। धर्मों के बचाव के लिए मुगल साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। उनका कहना था कि हम सभी को उनके दर्शाए मार्ग पर चलना चाहिए और हमेशा इंसानियत की सेवा में रहना चाहिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से विक्की मल्लिक की खास रिपोर्ट। मैं सब तो पहला सारी संगत नू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हलका बटाला ते प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी वालों अपने वालों दास गुरिंद्रपाल सिंह गोरा साहिबे कमाल पुत्रां दे दानी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब की लख लख वधाई देना। उत्थे अज गुरद्वारा कान साहब जो इतिहासक गुरु नानक साहब चरण छो प्राप्त धरती उतों एक महान नगर कीर्तन पंजां प्यारियां की अगवाई धन गुरु ग्रंथ साहब की छत्र छाया हेठ आरंभ हो चुकिया जो वक्रे वक्रे पड़ावों तय करके सारे शहर की परिक्रमा करके संगत धन गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करनगियां उपरंत शाम को फिर गुरद्वारा कान साहब समाप्ति होनी है। संगत बहुत वड्डा उत्साह है। संगत बड़े वड्डे पद्धर से धन गुरु ग्रंथ साहब अपना जिते शीश झुका रही हैं उत्थे नाल जा रही संगत जल पानी लंगर पानी तो होर बहुत वधिया प्रबंध करके संगत को गुरु दी खुशियां प्राप्त लोग कर रहे हैं। मैं समझना गुरु नानक साहब के दसवीं जोत गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने इस कौम की खातर बहुत बड़िया कुरबानियां कीतियां। पिता कुरबान करवाया अपने पुत्र शहीद करवाए ने माता जी शहीद होए ने ऐसे महान पुत्रां दे दानी साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आप अमृत जिहड़ा बहुत महंगे मुल च लिया। मैं संगत को बेनती करनी चाहुंदा आओ पीओ बहुल खंडे तहार होवे जन्म सहेला अमृत की दात लै के आप अमृत धारी होइए उत्ते कलगीधर पातशाह का हुक्म मनीए आग्या पही अकाल की तवे चलायो पंथ सब सीखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ जिते आप गुरु गुरु ग्रंथ साहब गुरु मान के अपना इष्ट अपना जीवन सफल करना है उत्थे मैं समझना गुरु नानक साहब का सिद्धांत नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला मांग के अपना भला उहदे विच लोचना है। ये बेनतियां करता होया फिर मैं अपने वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मैनेजर गुरुद्वारा कान साहब से समुची ही संगत वालों सारी ही संगत को बहुत बहुत बधाई देना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तो यही बेनती करनी चाहुंदा कि देखो सब तो वड्डा जिहड़ा परपकार कलगीधर पातशाह करके गए ने वो सानू गुरु शब्द के लड़ ला गए ने जिस शब्द को धन गुरु नानक साहब ने गुरु मनिया सी उस शब्द को ही गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने खीरले सामने अपना गुरु मान के संगत को ये हुक्म कर दिता सी तुहाडा अज तो बाद गुरु शब्द गुरु ग्रंथ साहब है आओ आपां देहधारियां तो बचना है पखंडियां तो बच के धन गुरु ग्रंथ साहब नू अपना गुरु मान के अपना जीवन सफल करना है। देश विदेश दीआं संगतां नू भी मैं लख लख वधाई दिंदा होया ही बेनती करांगा आओ अमृत धारी होइए गुरु के हुक्म ते गुरु के संदेश ते चल के अपना जीवन सफल करिए। अज दशमेश पिता सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब की खुशी में गुरद्वारा श्री कंद साहब तो महान नगर कीर्तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया पंजा प्यारियां दी अगवाई च हर साल की तरह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इलाके दीआं समूह संगतां दे सहयोग नाल सजाया गया है। नगर कीर्तन वख वख पड़ावां तो यात्रा कर रहा है। तुसीं देख सकदे हो कि संगतां दे विच इन्ना ज़्यादा उत्साह है। संगतां परिवारां समेत नगर कीर्तन की इन्नी ठंड होने के बावजूद रस्ते विच उड़ीक करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नतमस्तक हो रही हैं। संगतां वालों नगर कीर्तन विच शामिल संगतां वास्ते हर जगह जगह पर वख वख तरह के पदार्थों के चाह पकौड़े फल फ्रूट मिठाइया लंगर के विशेष प्रबंध करके लंगर लगाए गए हैं। मैं समूह संगतों का तह दिलों धनवादी धनवाद करता हाँ। अपने वालों
अपनी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सत्कारयोग प्रधान साहब भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल वालों साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब की समूह संगतान को लख लख बधाई देना हाँ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।